लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुबेदा, आज मैं बहुत खुश हूं कि हारिस भाईजान जिंदा है। भाभी जान कह रही थी कि भाईजान के घर का पता चल गया है। अगर वो जिंदा है तो उन्होंने आज तक ये सच्चाई तुम लोगों से क्यों छुपाई? क्यों तुम लोग उसे मिलने नहीं आए और ये मरने का ड्रामा क्यों किया? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं हारिस हूं। स्वीटहार्ट, जो सवाल तुम मुझसे कर रही हो वो हम सब जानना चाहते हैं, इसलिए भाभी जान कल जा रहे हैं। जरूर कोई तुम्हारी भाभी जान को धोखा दे रहा है, या फिर तुम्हारी भाभी जान तुम लोगों को। जस्ट स्टॉप इट, क्या बकवास कर रही हो तुम? जुबैदा, भाभी जान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये सच है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए थी। उसे एक हाथ से समझ के मैं भूल चुका हूं और वो भी भूल चुकी है। और जुबैदा, ऐसी सिचुएशन में भाभी जान की जगह कोई भी होता वो ऐसे ही करता। तुम्हारी तो प्रॉब्लम ही यही है, तुम जिसकी बात सुनते हो उसकी बात में यकीन कर लेते हो। मैंने कुछ नहीं सुना, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। Fine. कब जा रही तुम्हारी भाभी? कल शाम की फ्लाइट से। कल शाम तक वो जिंदा रहेगी तो फ्लाइट पकड़ेगी ना। मतलब उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर हम 1% भी सोच रहे कि हारिस जिंदा है तो हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी, और अगर उसे इस बात का इल्म हो गया कि हमने उसका ब्रेक फेल करवाया था तो इस माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। पापा, अगर ऐसा होता तो वो इतने दिनों तक खामोश क्यों रहता? वो ये हकीकत क्यों छुपाता कि वो जिंदा है? नहीं पापा, उसके ऐसे करने की कोई वजह नहीं बनती। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि जो लाश कार से मिली वो किसकी थी? क्योंकि हारिस उस दिन अकेला था। बाबा, इस मसले को लेकर इतने सवालात पैदा हो चुके हैं कि मुझे वाकई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे तो इस बात का डर है कहीं ये सवालात हमारी जिंदगी को सवाल ना बना दें। तुम शेर खान से बात करो और उसे अच्छी तरह समझा दो उसे क्या करना है। रहने दीजिए बाबा, शेर खान अब बदल चुका है। बदल नहीं चुका, लालची हो गया। अब वो पैसे की कीमत समझ गया है और ये हमारे लिए अच्छा ही, क्योंकि अगर वो हमसे पैसा लेके काम करेगा तो उसे जबरन हमारा काम करना ही पड़ेगा, बन जाएगा। बाबा, मेरा भरोसा उस पर से उठ चुका है। दीदी, हमें उससे अपना काम निकलवाना है। वो कैसा है कैसा नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं। तुम फौरन उसे फोन लगाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे सारी बातें समझानी है। और हाँ, रुपए उसे पहले दे देना। बाबा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हर बार सोचती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा मगर बात और बिगड़ जाती है। अब ये सब सोचकर अगर तुम बैठी रही और वाकई हारिस जिंदा लौट आया तो हमें यहां से बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा। आपका सारा मामला तो फिट हो गया था, फिर अचानक ये कौन सा जरूरी काम आ गया? तुम सीधी तरह से बात नहीं कर सकते हो क्या शेर खान? सीधी तरह से बोले तो हाँ, समझा। आपको क्या काम है मैडम, ये स्टाइल चलेगा? ओ हीरो, मैं तुम्हारा स्टाइल चेक करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ बहुत ही खास काम से आई हूँ। लगता है कुछ ज्यादा ही खास काम है, अब उनके लैंग्वेज में बोला तो भारी। किसी का काम तमाम करना है। मैडम, आजकल अपन ने सब काम छोड़ दिया है,
क्योंकि ये सब काम करके अपने को कोई लफड़े में नहीं पड़ने का है। आजकल अब उनका दूसरा काम है, इसकी टोपी उसके सर। और वैसे भी पुलिस की नजर में अपन मर चुका है और अपने को इसका फुल फायदा उठाने का। देखो शेर खान, इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी और इल्जाम भी तुम्हारे सर पे नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम तो मर चुके हो। ठीक है मैडम, अपुन ये काम करेगा लेकिन सिर्फ अपुन का दोस्ती के वास्ते। बोलो किसको उड़ाने का? एक औरत को। औरत का मर्डर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पुलिस भी इसे माफ नहीं करती और इसके वास्ते इसका रेट थोड़ा ज्यादा होगा मैडम। कितना? 10 लाख। ठीक है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। We'll be right back.
पुलिस को फोन करता हूं। ठीक है। पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए मैं से कोई मतलब नहीं। क्या चाहते हो तुम? तेरा काम तमाम करना चाहता हूँ। क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तू अपने हिस्से की जिंदगी जी चुकी। इतना याद है, वार खाली नहीं जाना चाहिए। मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी।
जब दरवाजे पर दस्तक दे रही है तब मेरी याद आ रही है।